हेलो स्टूडेंट्स आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू पी एस सी बी ट्यूशन पॉइंट स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एट साइंस चैप्टर नंबर सेवन के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने आपको सारे जो एम सी क्यू ट्रूफॉल्स और मैथ करवा दिए साथ ही मैंने चैप्टर भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ठीक है तो चलिए आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चनस कवर करते हैं

जब हमारी बॉडी में चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो उनकी बॉडी में क्या आते हैं चेंजेस आते हैं तो उस जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को एडोलसेंस एज कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वट विल हैपन इफ़ टेडपोल आर इन डेफिशिएंट पोन वॉटर मतलब आ, जो क्या होता है कि अगर एक टेडपोल जो है आयोडीन डैफिशियंस ठीक है क्वेश्चन में थोड़ा सा हो रह गया आयोडीन डैफिशियन तो एक टेडपोल जो है आयोडीन डैफिशियंस पोंड वाटर में रहता है तो क्या होगा तो इफ़ जब टेटपोल जो अगर आयोडीन डेफिशियंस वाटर में रहेगा तो वो क्या होता है कभी एडल्टूड में नहीं जा पाएगा मतलब तो तो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको बड़े होने में हेल्प कौन कर रहा है जो पोंड के अंदर आयोडीन है ना वो हेल्प कर रही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आर एंड्रोक्राइन ग्लैंड नॉन एज द डटलैस ग्लैंड एंड्रोक्राइन ग्लैंड को डक्टलैस ग्लैंड क्यों कहते हैं Endocrine gland are also known as ductless gland because they have no ducts and therefore release their chemical or hormones directly in into the blood stream. क्या होता है जो endocrine glands होती हैं उनके पास मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कोई डक्ट नहीं होती है कोई पाइपलाइंस नहीं होती है जो अपने केमिकल्स को और हॉर्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम तक लेके जाएं इसलिए उन्हें endocrine glands मीन्स डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका आपको मोनोपोस और मैनर्ज में जो है डिफरेंस लिखना है तो मोनोपॉज़ क्या होता है स्टॉपेज ऑफ मैंसोरेशन साइकिल जब मैंसोरेशन साइकिल स्टॉपेज हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ठीक है मैनर्ज क्या होता है फर्स्ट मैंसोरेशन साइकिल जब स्टार्ट होती है पिबर्टी टाइम जब एज आपकी कब होती है एलेवन से ट्वेल्थ ईयर होती है तो उसको हम बोलते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पर जब एज फोटी फाइव से फिफ्टी फाइव के करीब हो जाती है तो उसको मोनोपॉज बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम वाई get the acne and एंड पिपल सॉरी पिम्पल्स ऑन द फेस एट द टाइम ऑफ Puberty puberty पिबर्टी के time में मतलब जब age आपकी बड़ी होने लग जाती है तो उस time में आपके face पे जो है pimples निकलने शुरू जाते हैं ऐसा क्यों होता है तो ड्यूरिंग द एडोल्स द एक्टिविटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड एंड द ऑयल ग्लैंड इंक्रीज जो पसीने की ग्रंथियाँ होती है पसीने वाले ग्लैंड होते हैं और ऑयल ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं ज़्यादा बनने लग जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इनके इंक्रीज होने से ये ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से देयर इज द इंक्रीजिंग इन द सीक्रेशन फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड दैट रिजल्ट इन द पिंपल्स ऑन द फेस ऑफ द सम पीपल तो इसकी वजह से जब ये ऑयल ज़्यादा रिलीज करने लग जाते हैं तो कई पीपल के जो चेहरे पर है क्या होता है पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज़ मैंसूरेशन एक्सप्लेन मैंसोरेशन क्या है द मैंसोरेशन साइकिल इन द गर्ल्स स्टार्टेड इन एडोल जब गर्ल्स में एज इलेवन ट्वेल्व से ज़्यादा होने लग जाती है तब उस टाइम ये साइकिल स्टार्ट होती है विच यूजली कंटिन्यू रेगुलर आफ्टर एवरी ट्वेंटी एट डेज ये जो है रेगुलर ट्वेंटी एट डेज में होने लग जाती है थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वोमेन मतलब ये एक तरीके से रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वोमेन की और उसके बाद ब्लड फ्लो फ्रॉम द यूट्रस इन वन स्टेज ऑफ दिस साइकिल क्या होता है इस साइकिल में जो ब्लड है वो फ्लो होता है यूट्रस से ठीक है इट इज़ कॉल्ड द मैंसुरेशन इसी को क्या कहते हैं मैंसुरेशन नेक्स्ट वाइज द फिजिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर द एडोल्ट मतलब जब एज आपकी बड़ी होने लग जाती है तो उस टाइम फिजिकल एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट होती है फिजिकल एक्सरसाइज लाइक जोग जोगिंग हो गई आपकी वॉकिंग हो गई रनिंग साइकिलिंग प्लेइंग आउटडोर गेम्स ये सारे क्या होते हैं आपको हेल्दी रखते हैं फिट रखते हैं फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प इन द प्रॉपर डाइजेशन खाना अच्छे से पचाते हैं एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिक फ्रॉम द बॉडी बॉडी में से जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उनको हटाते हैं इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन हमारे ब्लड का फ्लो अच्छे से रखते हैं इंक्रीज द एफिशंसी ऑफ द लंग्स फिजिकल एक्सरसाइज गिव्स रिलीज एंड कीप गुड मेंटल हेल्थ मतलब फिजिकल एक्सरसाइज आपके लंग्स को भी हेल्दी रखती है फिजिकल एक्सरसाइज आपको मेंटली uh, लेवल से भी मतलब दिमागी तौर से भी स्वस्थ रखती है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्या है द चेंज विच सॉरी लिस्ट द चेंज दैट टेक प्लेस द प्यूबर्टी आपको चेंजेस बताने हैं जो प्यूबर्टी टाइम में होते हैं यहाँ पे कोई स्पेशल गर्ल्स या बॉयज़ का नहीं दिया हुआ है इससे मिले यहाँ पर आपके कॉमन कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं कॉमन चेंजेस लिखे हैं गर्ल्स और बॉयज़ में तो फर्स्ट है यहाँ से फर्स्ट पॉइंट आप शुरू कर देना नंबर डाल के डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है इंक्रीज इन हाइट हाइट बड़ी होनी शुरू हो जाती है चेंज इन बॉडी शेप बॉडी का शेप चेंज हो जाता है चेंज इन वॉइस वॉइस चेंज हो जाती है उसके बाद इंक्रीज इन स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड जो स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड है वो भी क्या होने लग जाती है इंक्रीज होने लग जाती है मेंटल चेंज हो जाता है मतलब दिमाग में चेंजेस मतलब आपको अच्छी चीज़ें सोचने समझने की आने लग जाती है मतलब चीज़ों को आपके दिमाग मतलब डेवलप होने लग जाता है जिससे आप चीज़ों को सोच समझ सकते हो अच्छे तरीके से हेयर एपरेंस होने लग जाते हैं अंडर आर्म में और लेग्स में ठीक है तो ये सारे आपके जो लिस्ट है कि जो प्यूबर्टी टाइम कौन कौन से चेंजेस होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हार्मोन्स व्हाट इज़ द रोल ऑफ हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी हार्मोन्स क्या होते हैं और क्या रोल है ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स का तो सम स्पेशल टाइप ऑफ द केमिकल विच आर द प्रोड्यूस बाय द एंड्रोक्राइन ग्लैंड कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जो एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स के हैं प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हॉर्मोन्स अब इनके रोल देख लेते हैं फर्स्ट दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड ये ब्लड में डायरेक्टली क्या होते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं दे एक्ट ए स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर ये स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर मतलब एक स्पेशल जैसे हम कहते हैं ना व्हाट्सएप टेलीग्राम यूट्यूब ट्विटर ट्विटर तो मतलब क्या होते हैं अलग से ये अलग होता है कि जैसे इसको अगर ब्रेन में जाने की ज़रूरत है तो ये ब्रेन में जाता है इसको अगर हमारे लेग्स में ज़रूरत है तो हमारे लेग्स में जाते हैं हमारे माउथ में इसकी ज़रूरत है तो माउथ में जाते हैं मतलब जहाँ इसकी ज़रूरत होती है ये एक तरीके से वहीं पर स्पेसिफिक जगह पर एक्ट करता है दे अफेक्टेड ओनली द सेल ऑफ द रिलीवेंट ऑर्गेन मतलब वही चीज़ आएगी जो मैं आपको बता यहाँ समझा रही थी यही चीज़ें कि रिलीवेंट ऑर्गेन मीन्स मान लो आपको इस हो, जो भी हार्मोन निकल रहा है उस हार्मोन की आपके ब्रेन को जरूरत है तो वो निकलेगा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और सीधे आपके ब्रेन के पास पहुँच जाएगा ठीक है ओनली सम अमाउंट ऑफ देम कॉजे एक्शन मतलब थोड़े से ही में इसकी ये अपना काम करने लग जाते हैं डेन डू नॉट अक्यूमुलेटेड इन द बॉडी मतलब ये बॉडी में जो है हमेशा एक्यूमिलेट होते रहते मतलब हमेशा बनते नहीं रहते हैं बस इनकी जैसे जरूरत पड़ती है तो वो उस टाइम वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड डिटरमाइन ह्यूमन चाइल्ड का सेक्स मतलब लड़का है कि लड़की वो कैसे डिटरमाइन होता है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन डिटरमाइन बाय द मेल्स मतलब जो मेल होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि लड़ का जो बेबी होगा वो गर्ल बेबी होगा या बॉय बेबी होगा ठीक है मेल्स में दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं ये चैप्टर आप अच्छे से जरूर पढ़ो तभी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी मैं क्वेश्चन में भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ बट एक जो चैप्टर हम एक साथ लाइन से फ्लो के साथ पढ़ते हैं ना चीज़ें समझते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ठीक है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखें सारे चैप्टर के आप वहाँ से चैप्टर जरूर समझो तभी साइंस समझ में आएगी ठीक है थीके? और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको भी जरूर ज्वाइन करना लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना सेवेंटीन सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा कई बार पंजाब बोर्ड की अपडेट्स होती है ठीक है तो मैं आपके पास तक नहीं पहुँचा पाती हूँ वीडियो बना के तो मैं वहाँ पर वैसे ही नोटिफिकेशन डाल देती हूँ ठीक है तो मेल में क्या होता है दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं कौन कौन से एक्स वाई और फीमेल में क्या होते हैं एक्स एक्स तो अब क्या होता है आगे देखो तो जब मेल का एक्स क्रोमोसोम कंबाइन होता है फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से तो एक्स और एक्स मिल गया तो मतलब बेबी कौन सी डेवलप हो गया फीमेल ठीक है और जब मेल का वाई क्रोमोसोम कंबाइन हो गया फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से तो क्या बन गया वाई और एक्स मिल करके क्या बन गया एक्स वाई ठीक है तो वो क्या डेवलप हो जाता है बॉय बेबी ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है तो ये डायग्राम बना लेना यहाँ पर जै, ये यह जैसे बॉय और गर्ल बनी है अगर आपसे नहीं बनता है तो आप यहाँ पे एक्स वाई और एक्स एक्स भी लिख दोगे तो चल जाएगा या फिर एक और सिंपल सा मैं आपको डायग्राम बताती हूँ ये भी आप बना सकते हो कैसे एक्स वाई यहाँ पर लिख देना आप मेल ठीक है एक्स एक्स यहाँ पर लिख देना आप फीमेल ठीक है फिर उसके बाद एक्स एक्स को एक्स एक्स यहाँ पे क्या लिखोगे आप गर्ल चाइल्ड ठीक है यहाँ पे लिखने मुझे थोड़ा सा हो रहा है आप लिख लेना वाई और एक्स को मिला के आप क्या लिखोगे एक्स वाई यहाँ पे क्या लिखोगे बॉय बेबी या बॉय चाइल्ड ठीक है तो ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए और इसके ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स एमसीक्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया था तो आप वहाँ से चेक कर लेना ठीक है ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय